इंडिया टीवी आपकी आवाज। नमस्कार, टॉप 10 रिपोर्टर में बताएंगे कैसे दिल्ली हत्या और लूटपाट की राजधानी बन गई है। दिल्ली में एक लड़के को एक बार नहीं 18 बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लुटेरों ने बिजनेसमैन को गोली मार दी और बीवी ने पति के साथ बेवफाई की सारी हदें पार कर दी। क्राइम कैपिटल बनती दिल्ली की खबरों के साथ टॉप 10 रिपोर्टर में वेस्ट इंडीज की पॉप पार्टी में हुई मारपीट का एक एक सच बताएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हत्या और लूट की वारदात से दिल्ली सहम गई है। प्यार में गिरफ्तार एक लड़के की इतनी निर्ममता से हत्या की गई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसे जान से मार दिया। वहीं एक बीवी ने अपने पति के साथ किया है सबसे बड़ा धोखा। दिल्ली में हत्या से सनसनी, एक लड़के को 18 बार चाकू मारा, लुटेरे ने व्यापारी को मार डाला। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? ये दिल्ली की हैरान कर देने वाली तीन तस्वीर है। लव, लूट और धोखा की तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर गुलाबी बाग की है, जहां 20 साल के एक लड़के को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं अशोकनगर इलाके में लुटेरों ने व्यापारी को मार डाला है। तीसरी तस्वीर और चौंकाने वाली है। दिल्ली की ये सबसे बड़ी धोखेबाज बीवी है। दिल्ली के हरिनगर इलाके की रहने वाली रीना ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। रीना जेल में है और पति अस्पताल में, लेकिन खतरे से बाहर है। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में पार्क से मिली भूपेंद्र सिंह की लाश देखकर सब सहम गए हैं। इंटर पास 20 साल के इस लड़के के एक एक अंग पर चाकू मारा गया है। कल रात 8:30 बजे घर से निकले भूपेंद्र की हत्या की खबर पुलिस ने घर वालों को दी। घर वालों के मुताबिक भूपेंद्र किसी लड़की से प्यार करता था, जिसका विरोध घर वाले कर रहे थे। चार भाई बहनों में सबसे छोटा भूपेंद्र लाख मना करने के बाद भी नहीं माना। पुलिस को शक है कि इस मर्डर में प्यार का एंगल है। घरवाले बेहद सदमे में हैं। हमने तो जो लड़की का चक्कर है ना, इसका इसके साथ भी लड़की का एक और बॉयफ्रेंड है, उसी के ऊपर चक्कर है ना। तो क्या नाम है उस बॉयफ्रेंड का? उसका नाम तो पता नहीं, रहता होगी। क्या बजे गया था आपका लड़का? मेरे से उसकी भेंट हुई है 7:30 बजे। भूपेंद्र सिंह की लाश जिस पार्क से मिली है उसे थोड़ी दूर पर गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन है। क्या भूपेंद्र सिंह की हत्या पार्क में की गई या फिर हत्या करके उसकी लाश को पार्क में ले आकर फेंका गया? अभी तक हत्यारों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया टीवी, दिल्ली। लुटेरों की राजधानी, बिजनेसमैन को मारी गोली। पश्चिम दिल्ली के अशोक नगर के इस घर में मातम पसरा है। तीन लुटेरों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर घर के मुखिया लक्ष्मी नारायण की हत्या कर दी। स्कूटर पार्ट्स व्यापारी 52 साल के लक्ष्मी नारायण अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। लक्ष्मी नारायण की गर्दन और उनके सिर में गोली लगी, जबकि एक गोली कार में लगी है। मुझे साथ में अंकल हैं, उन्होंने आके बताया कि आपकी गाड़ी पे फायर हुआ है, तो आप आगे एक मिनट देखो, एक पर्सन जो है रोड पे है। तो मैं आके देखा बाहर तो फादर गनशॉट की आवाज हुई होगी, तो आप लोग नहीं, बिल्कुल अंदर आवाज नहीं है, जो पीछे दरवाजा है अंदर बंद था, एसी ऑन था, तो अंदर आवाज थी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने एक व्यापारी के परिवार को बंधक बनाया और 20 लाख रुपए लूट लिए। साहिबाबाद के पाइपलाइन इलाके के इस मकान में बिखरा सामान वारदात की गवाही दे रहा है। बीती रात 10 से 15 की संख्या में लुटेरों ने इस घर में कोहराम मचा दिया। व्यापारी अरविंद दीवान के घर में जमकर लूटपाट मचाई। लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट की। सबसे पहले एक लुटेरा घर के अंदर ये कहकर दाखिल हुआ कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। जब तक घरवाले कुछ समझ पाते, 8 से 10 लुटेरे हथियार समेत दाखिल हो गए। लुटेरों ने अरविंद दीवान और उनके दोनों बच्चों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। तकरीबन 2 घंटे तक लुटेरे घर को खंगालते रहे। घर में रखे 12 लाख रुपए नकद और 30 तोले सोना लेकर फरार हो गए। 9 और 9:15 के बीच में
रात एक लड़का एकदम आया पिस्तौल ताने हुए, मैंने कहा कौन है, पिस्तौल ताने हुए है, उसके साथ भागते हुए चार पांच और आ गए और उन्होंने गन लगाकर हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। दो तीन लोग थे, उनके दोनों हाथों में पिस्तौल थे और उन्होंने कहा हम लोग पुलिस के डर से आपके यहाँ छिपना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हम आप लोगों को नहीं छिपा सकते, आप निकल जाइए। तो इसके बाद वो बिल्कुल अंदर आ गए पिस्तौल लिए हुए, उनके साथ साथ और लोग आ गए, करीब करीब 10-15 लोग थे संख्या में और उन्होंने दोनों बच्चों को गिरफ्त में ले लिया। लुटेरे अरविंद के रिवॉल्वर भी साथ ले गए। पुलिस ने लुटेरों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी हैं। इस केस में हम लोगों ने टीम लगा रखी है, तीन टीमें हमारी काम कर रही हैं, कर रहा सही। चार पांच लोगों को डिटेन कर दिया गया है, उनसे पूछताछ करी जा रही है। दिल्ली समेत पूरे NCR का यही हाल है। वारदात के बाद पुलिस धरपकड़ करती है। फारूक नेवाजी, इंडिया टीवी। मेरठ का एक कॉलेज दिन दहाड़े गोलियों से दहल उठता है। जिस शख्स की आप अभी तस्वीर देख रहे हैं अपने कैमरा में, ये देखिए अपने टीवी पे, ये वो बच्चा है, वो बालक है जिसको गोली मारती गई। कड़ी सुरक्षा के बीच दनदनाते हुए तीन बदमाश कॉलेज में घुसते हैं और परीक्षा दे रहे एक युवक पर फायरिंग करके फरार हो गए। लड़के की हालत अभी गंभीर है। मेरठ कॉलेज में बहुत बड़ा गोलीकांड होता है। कॉलेज के कमरा नंबर 75 में दनादन गोलियां चलती हैं। परीक्षा देने आए मुजफ्फरनगर के एक युवक को निशाना बनाया गया। अनजान हमलावरों ने दीपक राठी और को अंधाधुंध गोलियों से घायल कर दिया। दीपक के शरीर में चार गोलियां लगी हैं, एक गोली छाती में, दो हाथ में और एक पैर में। दीपक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर तीन थे और बाइक पर सवार होकर आए थे। दो बदमाश कॉलेज के बाहर ही रुक गए जबकि एक ने कॉलेज में के परीक्षा हॉल में घुसकर दीपक पर दनादन गोलियां बरसा दी। मेरठ में परीक्षा के दौरान हुए इस बहुत बड़े कांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही परीक्षा केंद्र पर आखिर गोलियां कैसे चलती हैं? कॉलेज में MA पॉलिटिकल का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, सुरक्षा बेहद कड़ी थी, परीक्षा हॉल में मोबाइल तक ले जाने की मनाही थी। ऐसे में एक शख्स पिस्तौल लेकर परीक्षा हॉल तक कैसे पहुंच गया? ये दीपक राठी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के MP एड के छात्र हैं। आज जो है ये मेरठ कॉलेज में परीक्षा दे रहे थे, इनके ऊपर अटैक किया गया है। चार इंजरीज हैं इनको, गनशॉट, दो हाथों में, एक राइट साइड में शोल्डर के ऊपर और एक राइट फ्लैंक में। तो अभी तक की जो बात है, इनसे जो पूछताछ हुई है और जो इनके साथियों से पूछताछ हुई है, उसमें कोई नाम निकल करके सामने नहीं आया है। 74 नंबर में अपनी परीक्षा दे रहा था, एक अज्ञात युवक आया और उसने उस पर चार पांच फायर करे। उसके बाद गोली लगी हुई है, हमने अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अभी उसकी हालत चिंताजनक है, अपना है। यूनिवर्सिटी कैंपस के एंट्रेंस के एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम था दो पार्टों में, आधा घंटे पहले एक एग्जाम हुआ, उसके बाद 12 बजे से एक एग्जाम शुरू हुआ। लगभग 12:45 पर रूम नंबर 74 में ये लड़का आगे से दूसरी सीट पर बैठा था, लगभग 785 इसकी लास्ट 3 डिजिट है, उस रोल नंबर पर बैठा था। बाहर से एक लड़का आया, उसके हाथ में पिस्टल थी, आते ही उसने सटाके उसके एक गोली मारी, उसके बाद फिर दूसरी मारी जो कि उसकी राइट हैंड पर लगी है। लगभग उसने 3 गोलियां चलाई, उसके बाद वो बाहर निकला तो वो गोलियां उसकी मिस हो गई और वो फिर बाहर को उधर की साइड में भाग गया, बैक साइड में। वो लड़के जिसके गोली लगी उसका ब्लड निकला, वो बाहर एकदम इधर आया, इधर की साइड से भागता वो चला गया। तो उनका ये पता ये चला कि लगभग यूनिवर्सिटी कैंपस से हैं दोनों ही लड़के। वो लड़के ने वो कह रहा कि मैं इसे जानता हूँ, ये नहीं पता कि क्या है वो। वो दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस के लड़के हैं, दोनों ही, मतलब एक एंट्रेंस दे रहा था, बाकी बाहर से आए थे, लगभग 3 लड़के थे, गोली एक ही लड़के ने चलाई। तीनों भाग गए बैक साइड से। आप पंचायत को आज हिंदुस्तान में मिला मुंह तोड़ जवाब, बंदूक के साय में पहली बार लिए गए 7 परेड। पंचायत के तुगलकी फरमान के बावजूद दादरी के मनीषा और जैवेन 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। मनीषा और जयविंद्र के एक एक फेरे में थाप पंचायत का एक एक फरमान टूटता चला गया। प्यार के बंधन में बंधकर इस जोड़े ने तुगलकी फरमान जारी करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा। भाटी गोत्र की मनीषा अब भाटी गोत्र बहुल गांव के फेरा की बहू बन गई, जिसका विरोध गांव वाले कर रहे थे।
इससे पहले चिटहेरा गांव से धूमधाम से निकली जयविंद्र की बारात। साथ में पुलिस के जवान चल रहे थे। नाते रिश्तेदार सारे लोग जमकर झूमे। दरअसल बैसेला गोत्र के जवेंद्र की शादी चिठेरा गांव से 15 किलोमीटर दूर बिस्नौली गांव की भाटी गोत्र की मनीषा से तय हुई थी, लेकिन चिठेरा की खाप पंचायत ने फरमान जारी कर दिया था कि भाटी गोत्र की लड़की गांव की बहू नहीं बन सकती है। इसके बाद घर वालों ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। शांतिपूर्वक शादी निवट जाने से जयविंद्र काफी खुश है। उसने स्थानीय प्रशासन और मीडिया का आभार भी व्यक्त किया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि नाराज गांव वाले आगे भी उसे परेशान कर सकते हैं। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दादरी। जावेद अख्तर को जान से मारने की धमकी मिली है। जावेद अख्तर को ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। जावेद अख्तर ने दारुल देवबंद के फतवे के खिलाफ बयानबाजी की। जावेद अख्तर जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, यही बेबाकी उनकी जान की दुश्मन बन गई। जावेद अख्तर ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का विरोध किया था। देवबंद ने कुछ दिन पहले कामकाजी महिलाओं पर फतवा जारी किया था। फतवे में महिलाओं के काम करने को इस्लाम के खिलाफ बताया गया था। जावेद अख्तर ने जब इसका विरोध किया तो पहले 12 मई को एसएमएस के जरिए उन्हें धमकी दी गई। इसके बाद 13 मई को उन्हें धमकी भरा ईमेल भेजा गया। जावेद अख्तर ने इसे गंभीरता से लेते हुए जू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि उनका कहना है कि वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। ये आपको जो ईमेल है कब मिला और किससे मिला? ये मुझे 12 तारीख को मिला। ऐसे तो मुझे 12 से पहले भी, जब से ये हुआ था, मुझे कुछ लेटर्स आ रहे थे ईमेल पे जो कि काफ़ी एग्रेसिव थे। जावेद अख्तर ने मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की, साथ ही साथ इस धमकी की जानकारी मुंबई एटीएस टीम को भी दे दी गई है। सरिता सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का आज सुबह निधन हो गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद उन्हें 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय राजनीति का एक किला ढह गया। भैरव सिंह शेखावत हमारे बीच नहीं रहे। सुबह 11:10 पर शेखावत के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। सीने में दर्द और फेफड़े में इन्फेक्शन के बाद गुरुवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। भारतीय जनता पार्टी के एक पिलर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत मानती थी, ऐसे एक महान व्यक्ति हमारे बीच में से गया है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन, उनका जो मार्गदर्शन और विचार हमको प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम भविष्य में चलते रहेंगे, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। मैं समझता हूँ कि चाहे विपक्ष में रहे हों चाहे वो सत्ता में रहे हों, हमेशा उन्होंने राजस्थान की चिंता की, राजस्थान वासियों की चिंता की। तो लंबे समय तक राजनीति में रहने वाले कुछ लोगों में वो बचे थे, वो भी एक कड़ी टूट गई आज। भैरव सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में 23 अक्टूबर 1923 को हुआ। वे 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। पिता का निधन हो जाने की वजह से भैरव सिंह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। 1952 में भैरव सिंह शेखावत राजनीति में आए। 1980 में वो बीजेपी के साथ जुड़ गए। सन 2002 में भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बने। शेखावत अपनी अंतिम सांस तक सक्रिय राजनीति में रहे। शेखावत बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक माने जाते थे।
इंडिया टीवी परिवार की तरफ से भैरव सिंह शेखावत को भावभीनी श्रद्धांजलि। हिमांशु मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। टॉप 10 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indiatvnews.com लॉग इन कर सकते हैं। टॉप 10 रिपोर्टर शाम 7:30 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टीवी।